नमस्कार दोस्तों, आप लोग सब लोग का स्वागत है हमारे चैनल में। एग्ज़ाम क्रैकर के सेशन फरवरी 2018 के फर्स्ट वीक के हम लोग करंट अफेयर्स को हम लोग डिस्कस करने वाले। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि करंट अफेयर्स का कितना इंपॉर्टेंस बढ़ चुका है हर सीजीएल के एग्ज़ाम्स के प्री में, सीएचएसएल के प्री में, उसके बाद अपना एसबीआई के एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है। आईबीपीएस, पीओ, क्लर्क ले लो आप, यूपीएससी ले लो, करंट अफेयर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फरवरी के फर्स्ट फर्स्ट वीक के करंट अफेयर्स। तो तैयार हो जाइए आप अपना पेन और कॉपी पकड़ के, और इसके जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लगे तो, और सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको उनमें से भी किसी को इंपॉर्टेंट लगे और इंपॉर्टेंट लगे तो उसको आप लिख सकते हैं, नहीं तो आप अपने दिमाग में बैठा सकते हैं। क्योंकि सीएचएसएल के लिए पास आपके पास सिर्फ 10 से 12 दिन है। तो आज से मैं एक एक हफ्ते का वीडियो डालूंगा, पहले फरवरी ख़त्म करेंगे फिर जनवरी ख़त्म करेंगे। तो जितना हो सके इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपके दोस्तों को भी पता चले कि क्या देश दुनिया में क्या चल रहा है, क्योंकि जनवरी फरवरी के आपके न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग पहले न्यूज़ में। पहले न्यूज़ में आप देख सकते हैं एक शख्स को फोटो है जो कि बहुत ही ओल्ड लग रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा बड़े लग रहे हैं। तो वो उनके उनसे रिलेटेड न्यूज़ ये है कि उनका नाम जो है, सबसे पहले तो वो कहाँ से है, वो है स्पेन से। वो कहाँ से है, स्पेन से हैं, और उनका नाम क्या है, नूनेस ओलिवर। क्या नाम है उनका, नूनेस ओलिवर। और ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि ये वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट मैन है, वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट मैन है, और इनका एज कितना, 113 है। और इनका निधन हो गया कहाँ पे, स्पेन में। कहाँ पे हो गया, स्पेन में। तो वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट मैन का नाम पूछ सकता है, नूनेज ओलिवर हो गया। और वो कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं, स्पेन से। कितने साल के थे, 113 साल के। ये कुछ फैक्ट्स हो जाते हैं, ये तीनों तीनों फैक्ट्स, ये इससे तीन फैक्ट्स बनते हैं, ये तीनों फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है। नूनेज ओलिवर पहला फैक्ट, स्पेन दूसरा फैक्ट, 113 साल तीसरा फैक्ट। और हम लोग नेक्स्ट न्यूज़ में आ जाते हैं। ये जो शख्स को आप लोग देख रहे हैं, ये शख्स आपको देखने में तो कोई डायरेक्टर जनरल, आर्मी आर्मी से रिलेटेड कोई इंसान लग रहे हैं, तो ये सही के, आप अगर ऐसा सोच रहे हैं तो बहुत सही सोच रहे हैं। ये डी जी एम ओ दैट इज डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन ऑफ इंडियन आर्मी। और इनका नाम है अनिल चौहान। क्या नाम है इनका, अनिल चौहान। अभी अभी अपॉइंट हुए हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि आर्मी के चीफ कौन है, बिपिन रावत। क्या नाम है उनका, बिपिन रावत। और ये जो पिक्स में ये पिक्स बताया, इनका नाम है अनिल चौहान, जो कि डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन। ठीक है, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन। हम लोग थर्ड न्यूज़ में आ जाते हैं, वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड न्यूज़ है, वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड न्यूज़ ये है कि उसने अभी अभी 100 मिलियन डॉलर का अलॉटमेंट किया है। किस चीज़ के लिए, 100 मिलियन डॉलर का लोन किस चीज़ के लिए इंडिया को दिया है, तमिलनाडु रूरल रूरल तमिलनाडु रूरल इकोनॉमी के लिए। तमिलनाडु रूरल इकोनॉमी के लिए वर्ल्ड बैंक ने 100 मिलियन डॉलर्स दिया है। और अगर इसके स्टैटिक अफेयर्स में आ जाए तो वर्ल्ड बैंक कहाँ पे है, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन यूएसए। और उसके हेड कौन है, उसके चेयरमैन कौन है, उसके हेड मेन मेन कौन है उनके हेड, वो है जिम योंग किम। क्या नाम है, जिम योंग किम। ये हो जाता है। और नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग डेमोक्रेसी इन डेमोक्रेसी इंडेक्स। क्या है ये डेमोक्रेसी इंडेक्स में इंडिया का क्या पोजीशन है, फर्स्ट किसका पोजीशन है, लास्ट किसका पोजीशन है, सीरिया कौन सा पोजीशन में, क्योंकि सीरिया में सबसे ज़्यादा वायलेंस होता है और सबसे ज़्यादा वहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। तो सीरिया का क्या पोजीशन है, क्या सीरिया सबसे लास्ट है। ये सारे सवालों का जवाब अभी हम लोग नेक्स्ट पेज में, और नेक्स्ट फैक्ट्स, ये फैक्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। डेमोक्रेसी इंडेक्स, सबसे पहले डेमोक्रेसी इंडेक्स बनाता कौन है, डेमोक्रेसी इंडेक्स बनाता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, दैट इज IEIOU। ई फॉर इकोनॉमिस्ट, आई फॉर इंटेलिजेंस, यू फॉर यूनिट हो जाता है। ये बनाते हैं कौन सा डेमोक्रेसी इंडेक्स बनाते हैं। अब इसमें देखते हैं इंडिया का रैंक क्या है, इंडिया का रैंक हो जाता है 42nd। क्या हो जाता है, इंडिया का रैंक 42nd। फर्स्ट रैंक किसका है, फर्स्ट रैंक हो जाता है नॉर्वे, नॉर्वे का हो जाता है। नॉर्वे का कैपिटल अगर पूछे तो ऑस्लो, नॉर्वे का कैपिटल ऑस्लो हो जाता है। और नॉर्वे फर्स्ट पोजीशन में है। अगर हम लोग अगला क्वेश्चन का आंसर के लिए आ जाएं कि सीरिया का रैंक क्या सबसे लास्ट है, टोटल 167 कंट्रीज में सीरिया का रैंक 166 है। क्या है, सीरिया का रैंक 166 है, मतलब ये लास्ट नहीं है, ये लास्ट नहीं है। तो लास्ट है कौन सा, लास्ट है नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया सबसे लास्ट है।
आप लोग को ये सब फैक्ट्स बहुत इम्पोर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि डेमोक्रेसी इंडेक्स में आपका इंडिया का रैंक पूछ सकता है, डायरेक्टली पूछ सकता है, CHSL के प्री में पूछ सकता है इंडिया का रैंक क्या है, तो उसका आंसर हो जाएगा 42। फर्स्ट रैंक डेमोक्रेसी इंडेक्स में किसको मिला गया है, तो उसका आंसर हो जाएगा नॉर्वे। नॉर्वे का कैपिटल आपको याद होना चाहिए, ऑस्लो। और फिर सीरिया कौन सा रैंक में है, 166 में, सबसे लास्ट में नहीं है, सबसे लास्ट में कौन सा है, 167 पोजीशन में, नॉर्थ कोरिया। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं, ये आपको पिक पिक देख के आपको क्या लग रहा है कि कोई एग्रीमेंट से रिलेटेड न्यूज़ है, तो ज़रा हम लोग नेक्स्ट पिक नेक्स्ट में आ जाते हैं और हम लोग ये पता करते हैं कि एग्रीमेंट हुआ तो किसके किसके बीच में हुआ और क्यों हुआ और किस चीज़ से क्या थीम था। एग्रीमेंट हुआ है इंडिया का और अशगाबेट का। ये अशगाबेट है क्या, अशगाबेट कहाँ पे है, अशगाबेट इज़ द कैपिटल ऑफ तुर्कमेनिस्तान। किसका कैपिटल है, तुर्कमेनिस्तान का कैपिटल है अशगाबेट, और तुर्कमेनिस्तान एक कंट्री है जिसका कैपिटल अशगाबेट है और उसकी करेंसी है मनत। ये तो हो गया एग्रीमेंट की बात। अब एग्रीमेंट हुआ किस चीज़ बात के लिए, किस चीज़ के लिए हुआ एग्रीमेंट, हुआ है ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर कौन कौन से देश के बीच में, OITU, क्या है ये, OITU, ओ फॉर ओमान, जिसका ओ फॉर ओमान, जिसका कैपिटल हो जाता है मस्काट और उसकी करेंसी हो जाती है रियाल। और फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट कंट्री ईरान, ईरान का कैपिटल हो जाता है तेहरान और उसकी करेंसी हो जाती है रियाल। उसके बाद कंट्री आता है तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान में अभी अभी बताया था उसका कैपिटल होता है अशगाबेट और उसका करेंसी होता है मनत, क्या हो जाता है, करेंसी हो जाता है मनत। और फिर आ जाता है उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान का कैपिटल हो जाता है तेशकंट और तेशकंट हो गया उसका कैपिटल और उसका करेंसी हो जाता है सोम। ये चारों का जो ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, चारों का जो ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, इसके लिए कौन काम कर रहा है, इसके लिए किसके साथ एग्रीमेंट हुआ है तुर्कमेनिस्तान का, इसके लिए एग्रीमेंट हुआ है इंडिया के साथ, तुर्कमेनिस्तान अशकाबेट का तुर्कमेनिस्तान का इंडिया के साथ एग्रीमेंट हुआ है। आप लोगों को ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन से कंट्रीज हैं। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं, ये कोई क्राफ्ट मेला टाइप से लग रहा है, क्राफ्ट मेला से आप लोग को तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए कि ये क्राफ्ट मेला अभी अभी हुआ है, अभी अभी ये न्यूज़ में है, सूरज कुंड क्राफ्ट मेला है, सूरज कुंड क्राफ्ट मेला। तो इससे हम लोग इससे रिलेटेड न्यूज़ में आ जाते हैं। सबसे पहले तो सूरज कुंड क्राफ्ट मेला है तो वो होता कहाँ पे है, एज फॉर हरियाणा, एज फॉर हरियाणा में ये होता है, हरियाणा में क्या होता है, सूरज कुंड क्राफ्ट मेला होता है। तो इसमें थीम स्टेट रहा होगा, इसमें पार्टनर कंट्री रहा होगा, थीम स्टेट जो है, थीम स्टेट इसमें लिया गया यूपी को, और पार्टनर कंट्री जो था उस वो था किर्गिस्तान, क्या था, किर्गिस्तान, किर्गिस्तान था। और किर्गिस्तान के हम लोग कैपिटल में आ जाए तो उसका कैपिटल हो जाता है बिश्केक और उसकी करेंसी हो जाती है सोम, क्या हो जाती है, करेंसी हो जाती है सोम। इससे पहले हमने सोम किसका किया था, उज्बेकिस्तान का किया था, उज्बेकिस्तान के बाद इसका किर्गिस्तान का भी सोम हो जाता है, किर्गिस्तान का बिश्केक कैपिटल और करेंसी सोम हो जाता है। और थीम स्टेट कौन सा है, यूपी, और सूरज कुंड क्राफ्ट मेला कहाँ होता है, हरियाणा में होता है। नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं, ये कोई पावर से रिलेटेड क्वेश्चन है, पावर से रिलेटेड टॉपिक है हम लोग जो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पावर से रिलेटेड क्या टॉपिक है इसके बारे में हम लोग जानते हैं, पावर से रिलेटेड ये है कि एनर्जी जो कांग्रेस है, एनर्जी कांग्रेस एक कॉन्फ्रेंस है वो कहाँ होने वाला है, पहला क्वेश्चन तो ये है, इसमें से तीन क्वेश्चन बनेंगे, एनर्जी कांग्रेस से तीन क्वेश्चन बनेंगे। ये जो एनर्जी कांग्रेस कॉन्फ्रेंस है वो कौन सा नंबर वाला है, ये सेवन्थ कॉन्फ्रेंस है, सेकेंड ये सेवन्थ कॉन्फ्रेंस है तो हो कहाँ रहा है, ये न्यू दिल्ली में हो रहा है। नेक्स्ट अगर इसकी बात करें कि ये कौन से, ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी ट्रांजिशन है, ये कौन से साल तक करने का है, 2030 तक इसको एनर्जी ट्रांजिशन करने का है। और इसका थीम क्या था इस कॉन्फ्रेंस का, इसका थीम था एनर्जी 4.0, एनर्जी 4.0 और उसके बाद एनर्जी ट्रांजिशन, एनर्जी ट्रांजिशन 2030, ये इसका थीम हो गया, एनर्जी 4.0, एनर्जी ट्रांजिशन 2030, और 2030 तक इसको ट्रांसफर करने का है, क्या, एनर्जी ट्रांजिशन करने का है। सेवेंथ कॉन्फ्रेंस हुआ कहाँ, हुआ न्यू दिल्ली में, क्या है ये, एनर्जी कांग्रेस कॉन्फ्रेंस। नेक्स्ट हम लोग आ जाए कि ये शख्स कौन है, ये शख्स जो आप देख रहे हैं, ये शख्स जो है, इनके बारे में हम लोग का अगला न्यूज़ है, इनका नाम है आनंद मधुकर, क्या नाम है इनका, आनंद मधुकर जी। ये न्यूज़ में क्यों है, इनको मिला है साहित्य अकादमी सम्मान, क्या है, साहित्य अकादमी सम्मान, और ये राइटर हैं, साहित्य अकादमी सम्मान तो लिटरेचर के लिए मिलता है, ये राइटर हैं तो कौन से भाषा के राइटर हैं,
ये राइटर है माघी, मगाही, मगाही राइटर हैं ये, मगाही राइटर हैं। और अगर हम लोग इसके इनके कोई इम्पोर्टेंट कुछ अगर हम लोग इम्पोर्टेंट जो लिखे हैं ये उसके बारे में बात करें तो एक इम्पोर्टेंट हो जाता है भगवान, भगवान बिरसा। भगवान बिरसा किसने लिखा है बोलेंगे तो उसका आंसर हो जाएगा आनंद मधुकर। और अभी साहित्य अकेडमी अवार्ड अभी रिसेंटली में किसको मिला है तो वो हो जाएंगे आनंद मधुकर। आनंद मधुकर कौन से राइटर हैं, कौन से किस चीज़ से कौन से भाषा में, कौन से भाषा में लिखते हैं तो मगाही में लिखते हैं, मगाही राइटर हैं वो। वो कौन से राइटर हैं, मगाही राइटर। नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं ये कोई डॉक्टर है और डॉक्टर जो है आई से रिलेटेड है, आई से रिलेटेड डॉक्टर है। तो अगला हमारा अगला न्यूज़ आई और डॉक्टर से ही रिलेटेड है, अगला न्यूज़ आई और डॉक्टर से ही रिलेटेड है। ये एक छोटी सी पुअर कंट्री के रिलेटेड है, रवांडा। क्या नाम है इसका, रवांडा। और इसकी कैपिटल क्या हो जाती है, किगाली। क्या हो जाती है इसकी कैपिटल, किगाली। और इसका करेंसी क्या हो जाता है, फ्रांक। ये जो न्यूज़ है वो रवांडा, किगाली और उसकी करेंसी फ्रांक से रिलेटेड है। ये है क्या आई से रिलेटेड, मैंने अभी अभी कहा था डॉक्टर और आई। तो ये जो है एक गरीब देश है जो कि आई केयर फॉर ऑल, आई केयर फॉर ऑल चालू किया है, आई केयर फॉर ऑल चालू किया है। इसका थी अभी इसका ये सोचा है कि सबके लिए, सबकी आंखों की सुरक्षा के लिए वो कुछ कदम उठाया है। वो क्या किया है, 3000 आई नर्सेस, 3000 आई नर्सेस को ट्रेनिंग दिया गया है कि कैसे उन लोग को ये मतलब कैसे उन लोग कैसा अपना जो उनका एम है आई केयर फॉर ऑल उसको पूरा करने के लिए 3000 आई नर्सेस को तैयार किया गया है। और हेल्थ सेंटर्स भी हैं, कितने हेल्थ सेंटर हैं, 502 हेल्थ सेंटर भी ओपन किया गया है। और अगर इनका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हम लोग आ जाए, जो HDI होता है, जो HDI होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, उसमें इनका रैंक हो जाता है 159। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं, आप जो शख्स देख रहे हैं इनसे रिलेटेड अगला न्यूज़ है, इनका नाम क्या हो जाता है और ये क्या से रिलेटेड है। इनका नाम है नीलम कपूर। क्या नाम है इनका, नीलम कपूर। और ये है क्या, डायरेक्टर जनरल ऑफ स्पोर्ट्स अथॉरिटी। क्या नाम है इनका, नीलम कपूर और डायरेक्टर जनरल ऑफ स्पोर्ट्स अथॉरिटी है ये। पहले अब किसको रिप्लेस किया है इन्होंने, इन्होंने रिप्लेस किया है राहुल भटनागर, राहुल को भटनागर को रिप्लेस करके अब कौन आ गई है, नीलम कपूर। और किससे रिलेटेड है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी। इतना ही काफ़ी है, इतना ही याद रखना है आपको। और अब जो शख्स को देख रहे हैं उनसे रिलेटेड अब नेक्स्ट न्यूज़ है, ये कॉमनवेल्थ से रिलेटेड न्यूज़ है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, कॉमनवेल्थ से रिलेटेड न्यूज़ है। इनका नाम हो जाता है अब इनका नाम हो जाता है विक्रम सिंह सिसोदिया। क्या नाम है, विक्रम सिंह सिसोदिया। और ये किससे रिलेटेड है, कॉमनवेल्थ है, कॉमनवेल्थ गेम से रिलेटेड है जो कि गोल्ड कोस्ट में होने का है, गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में होने का है। 21st कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में होने का है। उसके चेफ दी मशीन बनाया गया है इनको, चेफ दी मशीन, चेफ दी मिशन, मिशन चेफ दी मिशन बनाया गया है किनको, विक्रम सिंह सिसोदिया। आपको बस इतना ही याद रखना है, विक्रम सिंह सिसोदिया रिलेटेड टू कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड कोस्ट दैट इज 21st। चेफ दी मिशन आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, वो आप लोग को समझ में आ जाएगा। जैसे ही कॉमनवेल्थ गेम्स दिखा और ऑप्शन में विक्रम सिंह सिसोदिया दिखा तो वही न्यूज़ होगा, वही आंसर होगा उसका। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ हो जाता है क्योंकि ये बहुत ही सम्मान वाली बात है कि हमारी एक वुमेन जो है वो बॉक्सिंग में काफ़ी आगे, धीरे धीरे काफ़ी उन्नति में है और काफ़ी बढ़िया काम, बढ़िया खेल रही हैं वो, आगे और अभी अच्छा करने का है। तो अभी उनके नाम एक और उपाधि लगी है, जैसे कि ये जो आप बॉक्सर देख रहे हैं, ये जो आप बॉक्सर देख रहे हैं उनका नाम हो जाता है मैरी कॉम। क्या नाम हो जाता है, मैरी कॉम। इनके ऊपर मूवी भी निकली थी जो कि प्रियंका चोपड़ा ने एक्ट किया था। सो मैरी कॉम, इन्होंने अभी अभी ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीता है। ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप कहाँ हुआ था, दिल्ली में हुआ था। और दिल्ली में हुआ था तो आपका स्टेडियम का नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है, डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि ये XYZ स्टेडियम कौन सी जगह में है, तो आपका आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली। तो वो स्टेडियम कौन सा था जिसमें इन्होंने जीता, वो स्टेडियम था एक, वो स्टेडियम हो जाता है त्यागराज इंडोर स्टेडियम। ये हो कहाँ, ये है कहाँ, दिल्ली में, त्यागराज इंडोर स्टेडियम दिल्ली में। और इन्होंने किसको हराया, फिलीपींस की जोसिक गुपुको को हराया। और मैरी कॉम ने
ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग जीत गया। नेक्स्ट हम लोग अगर न्यूज़ में आ जाए तो ये एक जिप लाइन बोलते हैं, इसको जिप लाइन बोलते हैं। इससे रस्सी में लटक के इधर एक एक कोने से दूसरे कोने तक जा सकते हैं और ये एडवेंचर टाइप से लगता है। तो ये सबसे लंबा अभी जो है ये कहाँ पे अभी अभी स्टार्ट हुआ, सबसे लंबा लॉन्गेस्ट जिप लाइन अभी कौन से देश में अभी स्टार्ट हुआ है, और वो उस देश का नाम हो जाता है अपना UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, UAE। और इसका कैपिटल हो जाता है अबू धाबी, इसका कैपिटल हो जाता है अबू धाबी, और करेंसी हो जाता है दिरहम। क्या हो जाता है? करेंसी दिरहम हो जाता है। अगर हम लोग इसकी लेंथ की बात करें, इस जिप लाइन की लेंथ की बात करें, इसका लेंथ हो जाता है 2.83 किलोमीटर। क्या हो जाता है? 2.83 किलोमीटर इस जिप लाइन का लेंथ हो जाता है। और अगर ये इसका जगह हम लोग बात करें अबू धाबी में है कहाँ, ये UAE में है कहाँ, तो ये हो जाता है रास आल खाइमा। खाई से तो पता चल ही रहा है, खाई में खाई तो रहता है ये नीचे, तो रास आल खाइमा। क्या है इसका नाम? रास आल खाइमा के पास ये सबसे बड़ा जिप लाइन। आप लोग को डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा सबसे लॉन्गेस्ट जिप लाइन अभी कौन से देश में स्टार्ट हुआ है, तो उसका नाम हो जाता है UAE। नेक्स्ट हम लोग न्यूज़ में आ जाए तो ये कोचिन शिपयार्ड से रिलेटेड न्यूज़ है। कोचिन शिपयार्ड जो है वो अभी रशिया के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है। किस चीज़ के लिए? रशिया के कौन सा? यूएससी, यूएससी के लिए। यूएससी से, यूएससी कहाँ पे है? यूनाइटेड शिपिंग कॉरपोरेशन, यूनाइटेड शिपिंग कॉरपोरेशन दैट इज यूनाइटेड शिप बिल्डिंग कॉरपोरेशन इज इन रशिया। एंड कोचिन शिपयार्ड इसके साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है ताकि इन्वायरमेंट फ्रेंडली कुछ एम्स हैं उसको उसको कंप्लीट करने के लिए। तो आप लोग को डायरेक्ट पूछेंगे थे क्वेश्चन, कोचिन शिपयार्ड आपका किसके साथ एग्रीमेंट साइन किया है, तो रशिया से साइन किया है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बैंक में भी, SBI की मेंस में क्वेश्चन आ सकता है, SBI की मेंस में, और जो भी है बैंक के मेंस हो गए, और फिर ऐसे CHSL के प्री में भी डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि कोचिन शिपयार्ड अभी कौन से कंट्री के साथ एग्रीमेंट साइन किया है, तो हो जाएगा इसका आंसर रशिया। नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं कि ये मोदी जी हैं और ये असम के चीफ मिनिस्टर दैट इज सर्बानंद सोनोवाल, सर्बानंद सोनोवाल, और ये हैं मोदी जी। और इन ये यहाँ मोदी जी जो हैं असम में, मोदी जी जो हैं असम में अभी एक ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट कहाँ पे? असम में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट असम में चालू किए, और जहाँ पर हमारे इन्वेस्टर्स आए थे जैसे कि रतन टाटा इंडिया से हो गए, अंबानी जी हो गए इंडिया से, और अलग अलग कंट्री से भी आए थे जैसे कि भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, जर्मनी हो गया, जापान हो गया। यहाँ से अलग अलग दो अलग अलग इन्वेस्टर्स आए थे ताकि आसाम का डेवलपमेंट हो सके, नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट हो सके। और अगर हम लोग इसके स्टैटिक अफेयर्स में आ जाएं तो आप लोगों को मैं तो पहले ही बता दिया कि आसाम के चीफ मिनिस्टर का नाम है सर्बानंद सोनोवाल, लेकिन उनके गवर्नर का नाम है और जगदीश मुखी इज द नेम ऑफ द गवर्नर ऑफ आसाम एंड सर्बानंद सोनोवाल इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम। नेक्स्ट न्यूज़ में अगर हम लोग आ जाएं तो ये जो शख्स देख रहे हैं उनसे रिलेटेड न्यूज़ है, तो इनका नाम है श्याम बेनेगल, श्याम बेनेगल। इनसे रिलेटेड क्या न्यूज़ है? श्याम बेनेगल से रिलेटेड इनको अभी अभी वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। क्या नाम है? वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। किनको मिला है? इनको मिला है जिनका नाम क्या है? श्याम बेनेगल। श्याम बेनेगल जी को मिला है वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, और जो कि है जो किधर मिला? मुंबई फिल्म फेस्टिवल, मुंबई फिल्म फेस्टिवल में मिला है किसको? अपना श्याम बेनेगल जी को वी शांताराम लाइफ अचीवमेंट अवार्ड मुंबई फिल्म फेस्टिवल में मिला है। अगर मुंबई की बात हो तो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के अपने गवर्नर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया है, तो गवर्नर आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। गवर्नर का नाम हो जाता है विद्यासागर राव। क्या नाम हो जाता है? विद्यासागर राव। अगले न्यूज़ में आ जाते हैं, अगले न्यूज़ में आप देख सकते हैं कि एक किसी को अवार्ड दिया जा रहा है, ये कोई एक शख्स है और ये कोई एक शख्स है, तो इनके बारे में हम लोग बात करते हैं। जो ये शख्स दिख रहे हैं आपको, ये अवार्ड दे रहे हैं, ये अवार्ड दे रहे हैं, इनका नाम है दिलीप कुमार हैं, और जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ऑफ सोशल जस्टिस हैं दिलीप कुमार जी। और ये जो किस जिसको अवार्ड दे रहे हैं ये टाइम्स पावर वुमेन ऑफ 2017 इनको घोषित किया गया है। और इनका नाम क्या है?
जो टाइम पावर वुमेन 2017 घोषित किया गया है, और उनका नाम है, हो जाता है अपना शबनम अस्ताना। शबनम अस्ताना को टाइम पावर वुमेन 2017 घोषित किया गया, और उनको कौन दे रहा था? मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सोशल जस्टिस, दैट इज दीपक कांबले। दीपक कांबले जी उनको अवार्ड दे रहे थे। अब इनके बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं कि ये जो शबनम अस्ताना है उनका हिस्ट्री क्या है। ये जो है बॉर्न हुई थी बोकारो स्टील सिटी, बोकारो स्टील सिटी में बॉर्न हुई थी। सबसे पहले आप लोग को अगर इसके बारे में जानना है तो ये बोकारो स्टील सिटी में बॉर्न हुई थी। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो इन्होंने एनडीए में भी नेशनल डिफेंस एकेडमी, नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़कवासला में भी इन्होंने पढ़ाया है, 2 साल इंग्लिश पढ़ाया है, 2 साल इंग्लिश पढ़ाया है। खड़कवासला कहाँ पे है? पुणे के पास, पुणे महाराष्ट्र के पास पढ़ता है, वहाँ उन्होंने एनडीए पढ़ाया है। कहाँ पे? पुणे के पास, खड़कवासला। अगले अगर हम लोग न्यूज़ में आ जाएं कि इसमें इन्होंने और उसके बाद क्या किया, उसके बाद इन्होंने एज ए जर्नलिस्ट भी काम किया है, एज ए जर्नलिस्ट भी काम किया है, और इनकी एक फेमस बुक है जो कि डायरेक्ट पूछा जा सकता है सीएचएसएल में। वो बुक का नाम हो जाता है रोमांसिंग योर करियर। क्या नाम है? रोमांसिंग योर करियर। रोमांसिंग योर करियर इज द बुक रिटन पेंड बाई शबनम अस्ताना। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो जाते हैं इनसे रिलेटेड। अगले न्यूज़ में आ जाते हैं। आप जो न्यूज़ आप जो पिक में न्यू ये पिक देख रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है। क्यों? क्योंकि वो इन्हों ये जो है आप लोग जो जीमेल चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, ये सब के इंपॉर्टेंट एक सबसे मेन पेरेंट कौन है? गूगल। सबसे मेन पेरेंट है गूगल, लेकिन गूगल का भी एक पेरेंट है कौन? अल्फाबेट। गूगल का पेरेंट हमारे हमारा जो नेट चलाते हैं उनके उसके मेन पेरेंट हो जाता है गूगल, और गूगल का भी एक पेरेंट हो जाता है जो कि है अल्फाबेट। अल्फाबेट सबसे इम्पोर्टेंट, अल्फाबेट सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो अल्फाबेट के प्रेजेंट कंपनी जो प्रेजेंट पेरेंट कंपनी जो गूगल की है उसके बोर्ड ऑफ चेयरमैन है। कौन है ये? बोर्ड ऑफ चेयरमैन ऑफ अल्फाबेट, और इनका नाम हो जाता है जॉन हेनेसी। क्या नाम हो जाता है? जॉन हेनेसी, अल्फाबेट के बोर्ड चेयरमैन। नेक्स्ट हम लोग अगर न्यूज़ में आ जाए तो आपके जो ये पिक में आपको जो शख्स दिख रहे हैं उन उनसे रिलेटेड न्यूज़ है। ये एक स्क्वैश प्लेयर है। क्या प्लेयर है ये? ये एक स्क्वैश प्लेयर है जिनका नाम हुआ है जिनका नाम हो जाता है सौरव घोषाल। जिनका नाम है सौरव घोषाल, जो कि 14th रैंक में है। और इंटरनेशनल अगर रैंकिंग देखा जाए तो 14th रैंक में है, लेकिन इंडिया के फर्स्ट रैंकर है। इंडिया में फर्स्ट है और वर्ल्ड में 14th रैंक है। तो फर्स्ट रैंक कौन है इंटरनेशनल में? इंटरनेशनल में फर्स्ट फर्स्ट रैंक फ्रांस के ग्रिगोरी गोल्टियर। ग्रिगोरी गोल्टियर इज द फर्स्ट रैंकर इन द वर्ल्ड वर्ल्ड स्क्वैश प्लेयर्स इंडेक्स। वर्ल्ड फ्लैश स्क्वैश प्लेयर्स में सबसे ऊपर में फ्रांस के ग्रिगोरी गोल्टियर हैं, और इंडिया के सबसे टॉप में सौरव घोषाल है, और वर्ल्ड में उनका रैंक हो जाता है 14। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट जो इमेज दिख रही है ये काफ़ी एक काफ़ी रिनोन अभी हो गए, क्योंकि इन्होंने अभी बहुत अच्छा है इन्होंने अपना जो टैलेंट दिखाया है किसमें? अंडर 19 वर्ल्ड कप जो अभी 2018 में अभी 2000 हुआ अभी जो हुआ है अभी अभी अंडर 19 2018 में अंडर 19 वर्ल्ड कप जो हुआ है उसमें सबसे अच्छा मैन ऑफ द मैच का उपाधि इनको मिला है। और इनका नाम अगर आप लोग गैस कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर पा रहे तो मैं बता देता हूँ। इनका नाम हो जाता है मनोज कलरा, मनोज कलरा। और आप लोग को एक और चीज़ बता दूँ, 19 तारीख को सीजीएल के मेन्स में डायरेक्ट वर्ल्ड कप टू था वर्ल्ड कप जो ये अंडर 19 था उसके ऊपर डायरेक्ट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दिया था। तो जिसको ये वर्ल्ड कप देखे थे इनको ये पता था कि ये मनोज कलरा जी कौन है, तो उनको काफ़ी ईजी गया होगा उनको पैराग्राफ को सॉल्व करने में, क्योंकि बहुत लंबा पैराग्राफ था, वो बिना पढ़े ही आंसर दे दिए होंगे, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन थे कि कैप्टन कौन था, किसको मैन ऑफ द मैच मिला, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि कभी कभी ये सब फायदा हो जाता है। तो मैं ये कुछ कुछ न्यूज़ न्यूज़ देखना दिखना पीछे मत हटिएगा, ये सब इम्पोर्टेंट है। कुछ कुछ स्पोर्ट्स न्यूज़ भी आप लोग को काफ़ी हेल्प करेंगे आपको आगे, आपको हर चीज़ में, इंग्लिश में भी हेल्प कर रहा है, सिर्फ जीएस नहीं, सिर्फ इंग्लिश में भी हेल्प कर रहा है। सो नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं, इनको क्या मिला है? मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द मैच की उपाधि मिली है। नेक्स्ट हम लोग आ जाएं तो नेक्स्ट जो है आप शख्स देख सकते हैं, ये है शुभम गिल।
क्या नाम है इनका, शुभम गिल, ये भी अंडर 19 में थे, अंडर 19 प्लेयर हैं ये भी वर्ल्ड कप के, वर्ल्ड कप अंडर 19 इंडिया की तरफ से शुभम गिल हैं, इनको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मिला है, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मिला है। और है ना, नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट इमेज में आ जाते हैं, इनका नाम है अनुकूल रॉय, अनुकूल रॉय, और इन्होंने 14 विकेट्स लिया है, इन्होंने 14 विकेट्स लेके इनको भी एक अवार्ड मिला है, 14 विकेट्स हाईएस्ट विकेट्स लिए इन्होंने, अनुकूल रॉय ने, दैट्स वाई इनको भी अवार्ड मिला है। तो ये तीन नॉन नॉन पर्सन से, ये तीन नॉन पर्सन से, अब हम लोग ये देख लेते हैं अंडर 19 वर्ल्ड कप में इंडिया ने हराया किसको था, इंडिया ने बीट किया है ऑस्ट्रेलिया को, ऑस्ट्रेलिया जो कि बहुत ही पावरफुल, बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्रिकेट टीम है, उसको इंडिया ने बीट किया है। और ये तीनों, मनोज कलरा और शुभम गिल और अनुकूल रॉय को, नो नाम आपको याद रखना होगा, मैन ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, और 14 विकेट्स लिए हैं तो उनको भी अवार्ड मिला है, ये तीनों के प्लेयर्स के नाम, और किसको हराइए, ऑस्ट्रेलिया को हराइए। नेक्स्ट हम लोग न्यूज़ में आ जाए तो कैंसर डे, कैंसर डे, कैंसर हटाओ, कैंसर को कम करो, कैंसर को जो उसको उसको रिकवर करो, कैंसर के पेशेंट्स को मतलब मरने से बचाओ, इसके लिए क्या है, टू डेथ, जो 2020 एक एम रखा गया है कि 2020 से पहले डेथ रेट जो है वो कम किया जाएगा, 2020 से पहले डेथ रेट कम किया जाएगा। तो क्वेश्चन आपका ये तो बनता ही है कि डेथ रेट जो कैंसर डे में डिसाइड किया गया है वो कौन से ईयर को किया गया है, तो 2020 डिसाइड किया गया है। और अगला न्यूज़ अगर हम लोग इससे रिलेटेड देख लें तो ये कौन से दिन बनाया जाता है, वर्ल्ड कैंसर डे कौन से दिन बनाया जाता है, अगर आप लोग को पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं बता देता हूँ कि ये 4 फरवरी को बनाया जाता है, 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे बनाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग न्यूज़ देख सकते हैं कि ललित कला अकेडमी, ललित कला एकेडमी, ये कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में, कहाँ पे है ये, न्यू दिल्ली में है ललित कला एकेडमी। यहाँ ये क्यों है न्यूज़ में, क्योंकि इंटरनेशनल कला मेला, फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल कला मेला जो है यहीं पे इनॉग्रेट होने का है, इंटरनेशनल कला मेला कहाँ पे, ललित कला एकेडमी जो कि न्यू दिल्ली में, इतना ही, इसमें ज़्यादा कोई न्यूज़ नहीं है, इतना आपको बस, ललित कला एकेडमी कहाँ पे है, और ये एक और क्वेश्चन क्या हो सकता है कि इंटरनेशनल कला मेला कहाँ पे इनोग्रेट होना, कौन इनोग्रेट करने वाला है, वो है कहाँ इनोग्रेट होने वाला है। नेक्स्ट हम लोग अगर न्यूज़ में आ जाएं तो नेक्स्ट जो आप लोग शख्स देख रहे हैं जो हाथ हिला रहे हैं उनका, वो जो है वो सिप्रस के प्रेसिडेंट अभी अभी चुने गए हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द करंट अफेयर्स हो जाता है, क्योंकि SBI में डायरेक्ट पूछा जाता है कि अभी न्यूली प्रेसिडेंट जो सिप्रस के हैं उनका नाम बताइए। सिप्रस अगर हम लोग उसके स्टैटिक अफेयर्स में आ जाए तो निकोसिया इज द कैपिटल ऑफ सिप्रस एंड यूरो इज द करेंसी ऑफ सिप्रस, निकोसिया, सिप्रस, निकोसिया और यूरो एक साथ आप लोग याद रखना है, सिप्रस, निकोसिया और यूरो। और हम लोग इस शख्स की बात में, शख्स के नाम पे आ जाएं तो शख्स का नाम हो जाता है निकोसिया से रिलेटेड है, तो निकोस, निकोसिया मतलब निकोस, ये निकोस, इनका नाम है निकोस अनास्ता साइदस, निकोस अनास्ता साइदस, आप लोग डायरेक्ट निकोस याद रखिए, क्योंकि इसका कैपिटल निकोसिया है तो इनका नाम भी निकोस याद रखिए, तो ज़्यादा फायदा होगा, और हो सकता है कि आपके डायरेक्ट क्वेश्चन इससे उठ के आए। नेक्स्ट आप लोग देख सकते हैं ये, इसमें आपको ये कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से रिलेटेड क्वेश्चन है, और आपको इसके बारे में आप, मैं बता देता हूँ, एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि अभी अभी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि अभी 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 इसमें आया है, न्यूज़ में आया है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो ये जो है न्यूज़ में आया है ये कहाँ का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम क्या है, इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम है घोड़ा घोड़ा जारी, क्या नाम है इसका, घोड़ा जारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, घोड़ा जारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और ये कौन से स्टेट में है, महाराष्ट्र में, घोड़ा जारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज इन महाराष्ट्र, अभी अभी स्टार्ट हुआ है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो जाता है। और अगले न्यूज़ में अगर हम लोग आ जाएं तो ये एक, ये मोदी जी दिख रहे हैं और मोदी जी ने एक बुक लिखा है, मोदी जी ने एक बुक लिखा है एग्जाम वॉरियर, एग्जाम वॉरियर एक ये बुक लिखा है, किसके लिए लिखा है, यूथ को एंकरेज करने के लिए लिखा है, यूथ को एंकरेज करने के लिए लिखा है, और इसको रिलीज कौन किया, सुषमा स्वराज जी ने किया है, सुषमा स्वराज जी ने किया है। तो क्वेश्चन डायरेक्ट बनेगा कि एग्जाम वॉरियर के राइटर कौन है, तो मोदी जी हैं, और उसको रिलीज कौन किया, तो सुषमा स्वराज जी किए हैं, और किससे रिलेटेड है, यूथ को एंकरेज करने से, एंकरेज करने की, आजकल यूथ को कैसे मतलब आगे बढ़ना है, इतने कॉम्पिटिशन होने के बाद भी कॉम्पिटिशन फेस करना है कि 1 लाख 1 करोड़
130 करोड़ की जनता में आपको जॉब कैसे उठाना है, थोड़ा से इतने कम जॉब्स रहते हैं लेकिन भी आपको उठाना ही है। तो ये सब आपका उसमें दिया हुआ है, तो आप उस बुक को पढ़ के हो सकता है कि आपका इंटरेस्ट बढ़ जाए कि और हम मेहनत कर रहे हैं, शायद हमारे कुछ और आगे हो सकता है। तो एग्जाम वॉरियर बुक आपको याद रखना है कि मोदी जी ने लिखा है। किन्होंने लिखा है? मोदी जी ने लिखा है। आज के आखिरी क्वेश्चन में हम लोग आ जाते हैं, ये जो आप लोग का जल दिख रहा है, जो वाटर दिख रहा है, जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट, ये क्या है? जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट। जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट के लिए कितना कितना अलॉटमेंट किया गया है वर्ल्ड बैंक के थ्रू? वर्ल्ड बैंक ने जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट के लिए 375 मिलियन डॉलर्स, 375 मिलियन डॉलर्स अलॉट किया है जल जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट के लिए। सो ये कुछ न्यूज़ थे फरवरी के फर्स्ट वीक के लिए, फर्स्ट वीक के इम्पोर्टेंट न्यूज़ थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थे। हो सकता है इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चंस उठ के आ जाए, तो जितना हो सके इस वीडियो को रिवाइंड कीजिए या अपना नोट्स बना के नोट्स को रटिए, जो भी करने हैं लेकिन किए और जल्दी से जल्दी कीजिए, क्योंकि अच्छे वैकेंसी आ रहे हैं, काफ़ी वैकेंसी आ रहे हैं। तो उस वैकेंसी को भी पीछे ना करते हुए उसको फ़ायदा उठाइए वैकेंसीज का, और गवर्नमेंट को गाली ना देते हुए, मतलब गवर्नमेंट को आप मत बोलिए कि हाँ वो नहीं कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं। आप खुद पहले आप अपना प्रिपरेशन रखिए, और पोस्ट्स आ रहे हैं जितना हो सके आप अच्छे से पढ़ के वो पोस्ट को निकाल लीजिए। पोस्ट आते रहेंगे, इलेक्शन भी आ रहा है, अगले साल इलेक्शन है, तो काफ़ी पोस्ट इस बार ऑलरेडी 1 लाख आ चुका है, ऑलरेडी 1 लाख पोस्ट आ चुके हैं, इसके अराउंड 1 लाख पोस्ट आ चुके हैं रेलवे के। तो आपको अब मेहनत करने की ज़रूरत है, मेहनत कीजिए, जो मेहनत करेगा उसको ज़रूर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ में लग जाएगा। सो ये चैनल अगर अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी पता चले, और लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।